सोलन के कंडाघाट में खेलते खेलते एक बच्चा पानी के ड्रम में जा गिरा, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कंडाघाट पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार साधुपुल क्षेत्र में एक 3.5 साल का बच्चा खेलते समय पानी के ड्रम में जा गिरा। घटना की सूचना उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने परिवार वालों को दी, जिसके बाद वे तुरंत ड्रम के पास पहुंचे और बच्चे को इससे बाहर निकाला। परिवार के सदस्य उसे लेकर कंडाघाट अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज करके शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम सोलन अस्पताल में करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं एएसपी शिव कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्चे की पानी के ड्रम में डूबने से मौत हो गई थी। परिजन जब उसे कंडाघाट अस्पताल लेकर आए, वहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को सोलन अस्पताल भेज दिया था और आगामी कार्यवाही चल रही है। लगभग 10:30 बजे कंडाघाट थाने में सूचना मिली थी कि कोई बच्चा जो है साधुपुल के पास टैंकी में डूब गया है। तो इस पे पुलिस की टीम मौके पे गई थी तो पाया गया कि लगभग कोई 3.5 साल का बच्चा था, और अनफॉर्चुनेटली जब वो टंकी भर रहे थे उसके घर वाले, तो वो उसमें गिर गया और अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। तो इस पे पुलिस ने 174 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू की है और बच्चे का इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। इसको पेरेंट्स को हैंड ओवर किया गया है, डेड बॉडी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।